ग्रास। हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम ऑफिस 2021 को सीख रहे हैं और आपके सामने है कुछ क्वेश्चंस डेट एंड टाइम से। हमने पिछले वीडियोस में डेट एंड टाइम को पढ़ा था, तो डेट एंड टाइम का क्वेश्चंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब बारी है सॉल्यूशन की, तो फटाफट आप अपना एक्शन में उनका लिए और देखिए कि आपने कैसे किया था और मैं कैसे कर रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे दो पीरियड में किसी का डेट ऑफ बर्थ और करेंट ईयर के अकॉर्डिंग मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मूला मेरे क्लास में नहीं बताया था, इस बात को मैं एग्री करता हूं। तो एज निकालने के लिए हमारे पास होता है डे टेट इफ, इसको डेट DIF कहते हैं, डेट डिफरेंस। ए फॉर्मूला लिस्ट में नहीं आता, ए एड इंस फॉर्मूला होता है। जी हाँ, एड इंस फॉर्मूला आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लिखने में ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं, यहाँ पे डेट इफ आ जाएगा। इसमें आप स्टार्ट डेट डालते हो और करेंट डेट डालते हो, इसके बाद यहाँ डालिए तो आपको क्या चाहिए, मुझे चाहिए ईयर वाई, वाई करते ही आपको 35 आ गया। और फिर यहाँ पे वापस मैं यहाँ पे डालता हूँ डेट DIF। डेट DIF में हमने यहाँ पे स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, मुझे यहाँ पे चाहिए मंथ, यहाँ पे कर दिया YM। अब सिर्फ एम करेंगे तो क्या होगा, आपको एज इन मंथ आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए वाई के बाद का महीना, 35 साल के बाद कितने महीने हैं। तो हमने बोला तो यहाँ देखिए YM किया था, 2 महीना आया। फिर वापस मैं सेम फॉर्मूला डेटेड इफ लगाऊंगा, इसमें डालूंगा स्टार्ट डेट और कॉमा एंड डेट, और इसके अंदर डालूंगा मैं MD, मंथ के बाद डेट। YMD नहीं डालेंगे ना, डी डालेंगे। डी डालेंगे तो क्या होगा, आपका नम डेज में आ जाएगा। YMD डालेंगे तो गलत दिखाएगा, MD डालना है, मंथ के बाद की डेट। ये आपके सामने 0। अब इसको कंबाइन तो हम कॉन्केट से करेंगे कि यहाँ पे कविता एंड यहाँ पे एज, एज एज एंड परसेंट, वो सेलेक्ट कर लें एंड स्पेस। अच्छा, मैं इंडोर का क्लोज नहीं किया यहाँ पे, हाँ यस एंड परसेंट हमने इसको लिया एंड मंथ्स एंड एंड परसेंट हमने इसको सिलेक्ट किया डेज। सिंपल, यहाँ पे एंड परसेंट नहीं लगाया, सिंपल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो मैंने एक चीज बताया था आपको क्लासेस में, यहां हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डैश और एन परसेंट के साथ मार्च को ले लेंगे। ईयर है तो ईयर ले लिया, करंट ईयर ले लेता है वो। देन ई ओ मंथ इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा 0, एंटर करें आ गया। तो यहाँ जो भी मंथ देंगे, मैं यहाँ फरवरी देता हूँ तो फरवरी का आ जाएगा, मैं यहाँ पे अप्रैल देता हूँ तो अप्रैल का एंड डेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें ड्यू डेट, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले इफ फॉर्मूला लगाना होगा कि इफ, और यहाँ पे हम डालेंगे डे, इसको लेंगे। अगर ए लेस देन इक्वल टू 6 है देन क्या होगा, यहाँ पे डेट का फॉर्मूला, डेट ईयर मंथ, उसी महीने की 26 तारीख को पे करना है। बाद बाकी इसी जो हमने डेट फॉर्मा लिया हुआ इसी फॉर्मूले को हम फॉल्स में डालेंगे, और इसमें सिर्फ हम मंथ में +1 कर देंगे। अगर 6 से बड़ा है तो अगले महीने की 26 तारीख को इसका ड्यू डेट आएगा। रिजल्ट आपके सामने आ गया, इस तक ड्रैग कर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये भी आपको हमने बताया था, इसमें हम डेट का फॉर्मा लगाएंगे कि डेट, और इसमें से ईयर को अलग करेंगे, ये रहा ईयर, इसमें हम करेंगे +3, फिर हम करेंगे मंथ, इसमें से मंथ को अलग करते हैं, और +4 महीना, कॉमा डे, इसमें से हम डे को अलग करते हैं एंड +25। एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने 14 अगस्त आ चुका है।
अब यहां क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट में लेट आउट टाइम प्लस डेट एंड टाइम को प्लस कीजिए, उसमें से माइनस अगेन ब्रैकेट में इन डेट एंड टाइम को आपस में प्लस कर लीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपके सामने। तो ये रही हमारी सॉल्यूशन की क्लासेस। तो अगले वीडियोज में हम बात करेंगे डिफरेंसेस फॉर्मूले के बारे में। थैंक यू।